सबसे फनी कौन में आज देखेंगे सत्यपाल और भुवन मोहिनी के बीच की फनी फाइट। लाचार पे कभी अत्याचार नहीं करती, मारे हुए पे अपना अधिकार नहीं करती, और सब जानते हैं कि भूखे रहना मंजूर है, मगर शेरनी कभी लंगूर का शिकार नहीं करती। ये बात मेरे लिए बोलिए कि सत्यपाल के लिए? अच्छा, जिसको समझ में आ जाए उसके लिए। क्या बात है, वाव, लॉकडाउन के बाद ना आज निकला हूं। वाव यार, कितने दिनों बाद देख रहा हूँ ये सब शूटिंग की लाइट्स। वरना ना घर के बल्ब को देख देख के ना दिमाग का बल्ब फ्यूज हो गया है। और प्लीज प्लीज मेरे कानों में वो तीन मैजिकल वर्ड्स को ही कह दो, लाइट्स कैमरा एक्शन। वरना 6 महीने से ना जो 3 मैजिकल वर्ड सुनने को मिल रहे हैं वो है च्यवनप्राश, सैनिटाइजर और गिलोई। खैर, इतने दिनों बाद काम मिला है तो काम शुरू करते हैं। सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन। यहां 10 कंटेस्टेंट्स चलाएंगे फन की गन और दागेंगे हंसी के हथगोले। आइए मिलते हैं हमारे 10 फनी फाइटर्स। ये इंदौर की वो मशहूर डॉक्टर है जो अपनी हास्य कविताओं से कर देती है सबका इलाज, डॉक्टर भुवन मोहिनी। वैसे दिल्ली का बैंकर है लेकिन कॉमेडी इनकी भयंकर है, इंदर सहानी दिल्ली से। कानपुर स्टाइल हंसी का ठहाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, अरीशा कानपुर से। वडोदरा का है ये गुजराती छोकरा, इंडिया के लिए लाया है कॉमेडी का टोकरा, आर एस वडोदरा से। मिटाने आपके दिन भर की थकान, लेके आए हैं बॉलीवुड की दुकान, आमची मुंबई से मोनिका मूर्ति। बात सुनोगे एक बार हंसी आएगी पूरे साल, नागपुर से सीधा आए हैं सत्यपाल। डिग्री से इंजीनियर शायाना इनकी छवि है, गोरखपुर के फेमस ये कवि हैं, दिनेश बावरा गोरखपुर से। दुनिया का हर मर्द बड़ा लाचार है, हंसी की कविता में पिरोए कुछ विचार है, हिमांशु भवंडर उज्जैन से। कॉमेडी की बिजली में फनी ये तार है, हरियाणा का पहलवान नहीं ये हास्य कलाकार है, रवि बदशामी हरियाणा से। करते हैं कॉमेडी जॉब तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद इनका सबको हंसाना है, दिल्ली से आए गौरव महाना है। हर एपिसोड में टकराएंगे 2 फनी फाइटर्स और उन्हें आप देंगे पॉइंट लाफ्टर स्लाइडर पे 1 से 5 के बीच। 2 फनी फाइटर्स में से जिसको मिलेंगे ज्यादा पॉइंट वो होगा उस दिन का फनी फाइट का विनर। अरे वाह, फ्लिपकार्ट से ऑफर है। हाँ, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। आपके पास है ऑफर बम्पर प्राइज जीतने का। कौन जीतेगा आज का बैटल, इसका आपको करना है छोटा सा प्रिडिक्शन। जिसकी प्रिडिक्शन होगी सही उसे मिलेगा फ्लिपकार्ट की तरफ से स्पेशल गिफ्ट। तो हंसो, रेट करो और जीत जाओ ऑसम प्राइजेस यार। जो होगा इस शो में सबसे ज्यादा फनी, जिसे चुनेंगे आप उसे मिलेगा 10 लाख का प्राइज मनी। उसे मिलेगा 10 लाख का प्राइज मनी, और ये बात मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद पता चली है, पता है, वरना मैं भी कंटेस्टेंट बन जाता। भाई साहब 10 लाख रुपए, कमाल है। चलो वैसे सामने बैठ के हंसने के 5,000 भी बुरे तो है नहीं। तो शुरू करते हैं आज की फनी फाइट। आज के हमारे फनी फाइटर्स हैं, प्लीज वेलकम भुवन मोहिनी एंड सत्यपाल। सत्यपाल जी, क्या बात है, आप एमएलए की कुर्सी छोड़ के कॉमेडी कब से करने लगे? अरे नहीं, हम एमएलए नहीं है लेकिन स्टेज पे हमारी चलेंगी, बता रहे। अच्छा भाई साहब, इससे कम कॉन्फिडेंस है ना, बंदा चांद पे पहुंच जाता। वैसे जनता आप ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद आपको पॉइंट देने हैं लाफ्टर स्लाइडर पे 1 से 5 के बीच। तो मैं कहता हूँ शुरू किया जाए। बिल्कुल शुरू किया जाए। तो मोहिनी जी आइए, आप वहाँ पे मेरे साथ बैठ जाइए, और सत्यपाल जी द स्टेज इज ऑल योर्स। बात सुनोगे एक बार हंसी आएगी पूरे साल, नागपुर से सीधा आए हैं सत्यपाल। अच्छा वरुण भाई, एक बात बताइए, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? फेवरेट डिश चाइनीज। मन की बात पकड़ ली आप। आपको चाइनीज चाइनीज पूरा चाइनीज खिला दूंगा मैं आज। आज इंडिया में चाइनीज चीजों का इतना क्रेज है, इतना क्रेज है, हर जगह देखिए आप, हर जगह आपको चाइनीज चीजें मिलेगी। लेकिन मेरे गांव में चाइनीज चीजें छोड़ के चाइनीज फूड का क्रेज है।
मुश्किल से चार दुकान गिन के पूरे गांव को बताइए चाइनीज फूड की दुकान है, लेकिन जिसके बाप को ये नहीं पता उसके खाने के नाम क्या है। वहाँ पे सारे एक दूसरे के टेबल देख के ऑर्डर करते हैं और खुद को कवर करते हैं। रात का समय था, एक शराबी रोड पे आ गए, चाइनीज वाले का इधर है शराबी। ओ चाइनीज रा, अरे ट्रैफिक वाला नहीं है इधर, नाटक नहीं इधर। हाँ ओ चिंग चांग सिंग सांग पिंग पोंग एंड सिंग, पार्सल कर पार्सल कर, ऐसा देख के रहे पार्सल। अरे साहब हिंदी में बोलिए प्लीज। साले तेरे को मैं बीजिंग का समझा, तू दार्जिलिंग का निकला। कन्फ्यूज है मैं, एक बात बता, पूरे इंडिया में चाइनीज चीजें बंद हो रही है? बंद हो रही है कि नहीं? हाँ पूरी जगह, लेकिन तेरी दुकान अभी भी चालू है चाइनीज की? अरे आधे घंटे में बंद कर रहे हम। आधा घंटा है ना, कुछ खा के जाऊंगा। अरे ठीक है आप बताइए कहाँ खाओगे आप? अरे वो चिकन का लॉली का बाप। अरे भैया चिकन का लाली का बाप नहीं है, वो चिकन लाली पॉप बोलते हैं। इधर एक बात बता, तू वेटर है टीचर? अरे हम इंजीनियर है। हाँ एक काम कर, और एक ऑर्डर क्या बोला था मैं उसको, क्या बोलते हैं सर ऐसा आता है तुम लोग लाते हैं सर 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 करते तुम लोग क्या है वो? सर इतना राउंड हम समझे नहीं। शाहरुख खान की कौन सी फिल्म आई थी अम्मी जान वाली? रईस। बॉलीवुड का दीवाना। उस फिल्म को तू 3 बार देखेगा क्या बोलेगा? ट्रिपल रईस। थैंक यू। क्या बात है भाई, क्या बात है। वैसे आज ना शराबी और शराब की वजह दोनों हमारे साथ है। जनता आप इन्हें पॉइंट दे सकते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू सो मच सत्यपाल जी। गाइस थैंक यू सर। थैंक यू भुवन मोहिनी जी, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। आज जाइए, द स्टेज इज ऑल योर्स। भुवन मोहिनी जी, आपको देख के मेरे दिल में 3 शब्द आ रहे हैं जो मैं आपसे कहना चाहूंगा। प्लीज ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। ये मेरे लिए था क्योंकि ना मतलब मुझे आपको देख के ना मेरा बीपी जो है वो थोड़ा सा लो हो रहा है। तो जनता पेट पकड़ के हंसने के लिए तैयार है, लेकिन याद रखिए बाद में पॉइंट्स भी देने हैं। तो मोहिनी जी द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू। शुरू करते। ये इंदौर की वो मशहूर डॉक्टर है जो अपनी हास्य कविताओं से कर देती है सबका इलाज, डॉक्टर भुवन मोहिनी। गोरी तो घर पे है, काली पे आ गया, दिल हमारा सामने वाली पे आ गया, और बैठा है मैं कदे में बड़े शौक से, अभी उठकर चला तो फर्श से नाली पे आ गया। इस तरीके के शराबी होते हैं, इनको देखकर मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि इंग्लिश केवल सीखने में ही कठिन होती है, पीने में बहुत आसान है। और दोस्तों जब चाइनीज में देशी तड़का लगता ना तो वो ऐसा ही बनता है। मैं डॉक्टर भुवन मोहिनी, बात करते हैं आज बुजुर्गों पे, बुजुर्गों की आदत, उनके आनंद और मेरी ये पंक्तियाँ सुनिए। बताएं क्या बुजुर्गों की, बड़े इनके फजीते हैं। अच्छा अभी आप काले गुलाब जामुन का मजा ले रहे थे, अब आपके सामने रसगुल्ला खड़ा है। क्या बात है, वाह। अरे चखने में कोई मीठा खाता है क्या? मीठे बीठे का तो पता नहीं, लेकिन 4 पैक के बाद जूते जरूर खाता है। सुनिएगा कि बताएं क्या बुजुर्गों की, बड़े इनके फजीते हैं, ये जब मरते किसी पे है उसी दिन खुल के जीते हैं। जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से। अच्छा वरुण जी, इसमें जो जवान का जिक्र हुआ है ना, वो आप कतई नहीं हो।
जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जो तुम होठों से पीते हो वो ये आँखों से पीते हो, जो तुम होठों से पीते हो वो ये। अच्छा एक बार एक कवि सम्मेलन में ये पंक्तियां पढ़कर मैं मंच से नीचे आई, एक दादा दौड़कर मेरे पास आए और बोले क्या बढ़िया काव्य पाठ किया है, इतना मजा आया, पुराने दिन याद आ गए, एक पंक्ति दिल को छू गई। मैंने कहा कौन सी? कि जो तुम होठों से पीते हो वो ये आँखों से पीते हैं। बेटा पीता तो मैं भी था लेकिन जब से चश्मा लगाया ना दिक्कत देता है। क्या बात है यार। अच्छा ये वो बुजुर्ग होते हैं जो घुटनों पे बैठ के फूल तो दे देते हैं पर इनको उठाने में फिर चार लोग लगते हैं। तो ये बुजुर्गों के कॉन्फिडेंस को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन इनको कौन समझाए कि कीपैड के मोबाइल पर एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं होती है। क्या बात है यार। एक बार मैं पीवीआर के बाहर खड़ी थी और एक बुजुर्ग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा पिक्चर चलोगी? मैंने उनको देखा, मैंने कहा दादाजी जब लाइफ में रति का एपिसोड चल रहा हो ना तब जयमा संतोषी नहीं देखी जाती। लेकिन सच में मैं पंगा नहीं लेती हूँ इन बुजुर्गों से। चार पंक्तियाँ लड़कियों, जब भी बुजुर्ग आपसे इस इश्कियाना अंदाज में इश्क फरमाए तो ये मेरी चार पंक्तियाँ चिपका दीजिएगा। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते, और बिजलियाँ भी गिरकर जहाँ शर्मसार होती है हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, आप सुपर है। थैंक यू। बहुत अच्छा है। आप लोग प्लीज जो अपना लाफ्टर स्लाइडर है उस पे मोहिनी जी की परफॉर्मेंस को पॉइंट दीजिए 1 से 5 के बीच में। आपका टाइम शुरू होता है अब। पर मैं भी कहना चाहता हूँ मैं आपका ना दीवाना हो गया यार, सही में। सच्ची? अरे बिल्कुल 120%। तो चार पंक्तियां मैंने आपके लिए भी कही। सुनो, लाचार पे कभी अत्याचार नहीं करती, मारे हुए पे अपना अधिकार नहीं करती, और सब जानते हैं कि भूखे रहना मंजूर है मगर शेरनी कभी लंगूर का शिकार नहीं करती। ये बात मेरे लिए बोली कि सत्यपाल के लिए? अच्छा जिसको समझ में आ जाए उसके लिए। एक शेर मैं भी शेर बोलूंगा। तुझे खरीद के दिया मैंने 2 BHK। बॉस महंगाई का जमाना देखो और मोहब्बत की गहराई देखो। तुझे खरीद के दिया मैंने 2 BHK, कमबख्त उसे भी खा गई 2 BHK। कमाल, ये आते ही कह रहे थे कि मंच पे तो मेरी ही चलेगी। ये ऐसे पुरुष होते हैं जिनमें घर में भी इनके पसंद की सब्जी नहीं बनती पर कॉन्फिडेंस का हाल का होता है। तो लाफ्टर स्लाइडर पे आप स्लाइड कर चुके होंगे। सत्यपाल जी आ जाइए आप भी यार। तो अब बारी है जनता के प्राइस जीतने की। आप घर बैठे लगाइए अनुमान की आज का विजेता कौन होगा। जिनका अनुमान सही होगा उसको मिलेंगे स्पेशल प्राइजेस। आपका वक्त शुरू होता है अब। बट क्या बात है यार, बहुत अच्छा लिखा है। मैं हंस के पागलों के सो डिफरेंट इट इज। बट हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगता है आपको पूरा स्क्रिप्ट करने में और सारा? मैं पोएट्रेस ही हूँ बेसिकली। अरे सुपर, तो कितनी कविताएं होंगी? बहुत। ऐसी कोई स्पेशल कविताएं भी लिखी है किसी स्पेशल? बहुत सारी, शुरुआत वहीं से की थी। क्या बात, मुझे लगता है मेरी तरह आज इंडिया भी कंफ्यूज होगी कि किसको जिताना है आज का फनी फाइट। तो आज के फनी फाइट्स के विजेता कौन है ये आपको पता चलेगा कल सुबह 9 बजे फ्लिपकार्ट वीडियो के सबसे फनी कौन के पेज पे। और हम आपके लिए आएंगे ऐसे ही नए नए फनी फाइट्स के साथ फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन में, क्योंकि अब रोजाना होगी हंसी की शॉपिंग। कल के एपिसोड में आपको हंसाने आएंगे इंदर सहानी और दिनेश बावरा। वरुण भाई पहले ना मैं बहुत मोटा था, मैं इतना मोटा अगर मेरी माँ मुझे चलता हो देख लेना उसको कभी कभी लेबर पेन उठ जाता था। हम झमाझम से झामू हो गए, लॉकडाउन 1 खत्म होते होते हम पति से रामू हो गए।